नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। इसके पहले एपिसोड में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देखे थे। चूंकि टॉपिक बड़ा है इसलिए एक दिन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, हम उसका दूसरा पार्ट लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। अगर आपको लगे तो आप पेपर पेन लेकर इसे नोट करें और तैयार करें। ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है, ढेर सारे एग्जाम्स में, एकेडमिक में तो आता ही आता है, ढेर सारे अदर एग्जाम्स में जैसे जो सिंगल डे कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें या बैंकिंग में पक्का आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हम चर्चा करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकेंड पार्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहला रूल, आज का पहला रूल, ईदर नीदर ईच एवरी मेनी आ मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। अर्थात अगर किसी सेंटेंस में ईदर नीदर ईच एवरी वन मेनी आ आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात ईदर नीदर ईच एवरी वन मेनी आ ये सिंगुलर हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ईदर नीदर ईच एवरी वन एंड मेनी आ, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज परफॉर्म्ड वेल, Each of the boys, हर boys में से हर किसी ने performed well, अच्छा perform किया। Many a man has done so, यहां भी many a man है, many a के साथ verb singular होगी, has लगा हुआ है। I hope rule is clear, each, either, neither, many a, I, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर होगी। क्लियर है? रूल नंबर टू, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय एवर ईच इवन दो कनेक्टेड बाय एंड टेक सिंगुलर वर्ब। एवरी इज हियर, सॉरी। सो ऐसे नाउन्स अगर दो सिंगुलर नाउन हैं उनके पहले ईच या एवरी आता है, भले ही वो एंड से जुड़े हैं लेकिन उनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगी। एक बार फिर से समझिए, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर फॉलोड बाय एवरी और ईच, इट अग्रीज विद द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ईच बॉय एंड ईच गर्ल was busy in his work. Each man and each woman was happy. I hope बात क्लियर हो रही होगी। Each या every, अगर ये किसी एक से अधिक यानी दो noun है और उनके पहले each लगा हुआ है या every लगा हुआ है, भले ही वो and से जुड़े हों, उनके साथ verb singular आएगी। Each boy and each girl was present in the school. Each boy and each girl was present. It means each boy, each girl. दोनों and से जुड़े हैं, फिर भी verb singular लग रही है. Every man and every woman was happy. Every man and every woman was happy. It means every दोनों में लगा हुआ है और एंड से जुड़े हैं, दोनों सिंगुलर हैं, फिर भी उनके साथ वर्ब सिंगुलर लग रही है। कुछ याद दिलाते हैं, कल हमने चर्चा किया था कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ वर्ब प्लूरल आ रही थी, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। लेकिन यहां उस रूल को से अलग ये रूल है, ईच या एवरी पहले आया हुआ है,
दो सिंगुलर हैं और एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। चलिए रूल नंबर थ्री, आई होप सेकेंड रूल इज क्लियर। रूल नंबर थ्री, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट दे आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन होते हैं जो दिखते तो प्लूरल होते हैं, दिख रहे होते हैं प्लूरल, बट वो एक्चुअली सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होती है। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज इज ट्रू। न्यूज, न्यूज में एस लगा हुआ है तो लगता है कि ये प्लूरल है, दिखता है प्लूरल लेकिन प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, इज लगा हुआ है। द न्यूज इज ट्रू। और ठीक उसी तरह से इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में लास्ट में एस है तो प्लूरल जैसा लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर वर्ब लेता है। इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? ऐसा है कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, मैथमेटिक्स इज अ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, मींस सिंगुलर है, दिखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। रूल नंबर फोर, कभी कभी कुछ सेंटेंस में पेंस और मींस लगता है, ये सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं प्लूरल भी यूज हो सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक बार फिर से इसे नोट करें दिमाग में, पेंस और मींस ये सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं, मीनिंग में प्लूरल लगेगा और मीनिंग में सिंगुलर लगेगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बहुत ही कंसिस्टेंट होना चाहिए। लिखा है पेंस एंड मींस प्ले सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रोल प्ले करते हैं। द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कंसिस्टेंस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, ग्रेट पेंस हैव बीन टेकन। ग्रेट पेंस हैव बीन टेकन मींस अधिक मुसीबत उठाई गई। एक और, मच पेंस हैज बीन टेकन। ग्रेट लगा तो प्लूरल हो गया, मच लगा तो सिंगुलर हो गया, बहुत सिंपल सा है। ग्रेट पेंस हैव बीन टेकन, मच पेंस हैज बीन टेकन। मच इज अनकाउंटेबल, ग्रेट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल बट टेक्स प्लूरल। नाउ मींस की हम बात करते हैं, ऑल पॉसिबल मींस हैव बीन ट्राइड। सभी संभव तरीके लगाए गए, यानी मींस यहां प्लूरल है, हैव बीन लगा हुआ है। ऑल पॉसिबल मींस हैव बीन टेकन। एक और एग्जांपल, द मींस एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट। जो मींस आपने लगाया, तुमने लगाया, वो पर्याप्त है। तो यहां मींस सिंगुलर है। आई होप इट इज क्लियर। पेंस और मींस दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, द लास्ट रूल, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म। कुछ नाउन्स दिखने में तो सिंगुलर होते हैं बट एक्चुअली दे आर प्लूरल एंड दे टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन एक्चुअली वो होते हैं प्लूरल और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब उनके साथ यूज किया जाता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, देखिए, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल प्लूरल है, दिख रहा सिंगुलर लेकिन ये है प्लूरल और इनके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, आर यूज हुआ हुआ है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, 12 dozen have a good number। 12 दर्जन बड़ी संख्या होती है, तो 12 दर्जन, dozen ये प्लूरल है,
हैव लगा हुआ है। कुछ क्लियर हुआ होगा? मैं सारे रूल्स को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, आप ध्यान दें। सबसे पहला था ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी या आए, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होती है। रूल नंबर टू, कुछ नाउन्स अगर दो सिंगुलर हैं उनके पहले एवरी या ईच लगा हुआ है, भले ही वो एंड से जुड़े हुए हैं उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। रूल नंबर थ्री, कुछ नाउन है जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, जैसे द न्यूज इज ट्रू। नेक्स्ट, पेंस और मीन्स दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज होते हैं लेकिन सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बहुत ही कंसिस्टेंट होना चाहिए। और लास्ट है कि कुछ नाउन्स जो दिखने में सिंगुलर होते हैं बट एक्चुअली वो प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस तरह से आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पांच और रूल देखे और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।